तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो देखिए, ये हमारा रहा भाई काइट का स्टेस 15 अगस्त के लिए। फिलहाल देखो, 15 अगस्त के लिए तो कहना इसे गलत होगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं कितनी ज़्यादा पतंगबाजी करता हूँ और मेरी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं। तो ये सारी पतंगें मुझे पता है 15 अगस्त से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी और 15 अगस्त के टाइम मुझे नई पतंगें लानी पड़ेंगी। तब चलो, तब की तब देखेंगे। फिलहाल ये कुछ पतंगे लेकर आऊँ, और इसमें काफ़ी कलरफुल पतंगे भी हैं, डिजाइनर पतंगे भी, सारी तरीके की पतंगे हैं। तो पूरा मैं रेट वेट आपको सब बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास चौका निकला है वो देखो, ये आपकी चार कलर में है, ट्राई कलर पतंग है ये। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको उड़ा के भी दिखाई थी। तो देखो, पतंग काफ़ी अच्छी लग रही है देखने से, और पतंग है भी अच्छी उड़ने में थोड़ी बहुत। तो देखो, पतंग सारी पतंगे थोड़ी बहुत भागती हैं इधर उधर, वो आपको सही करनी पड़ती हैं। तो देखो, ये सारी मंजूली पतंग है। अभी मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा कि ये मैं कितने की लाया हूँ। उसके बाद देखो, हमारी निकलती है ये ब्लू कलर का चौका, और मंजूली में ऐसा ब्लू कलर देखने को काफ़ी कम मिलता है। अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब ये काम चला हुआ है। जैसे मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं, तो मैं 50 या 100 मीटर के अंदर ही पतंग लड़ा पाता हूँ, उसके आगे मुझे बंदे जाने नहीं देते। तो उस रेंज में ये अच्छी है, लेकिन उससे लंबी रेंज में अगर आप पतंग लड़ा रहे हो तो आपको थोड़ी अच्छी पतंगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये काम चलाऊंगा, जैसे 15 अगस्त के टाइम काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा भसड़ जब होती है ना पतंगों की, तो उसमें ये पतंग काफ़ी अच्छी लड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लड़ा पाओगे। और ये भाई, ये मोविन काइट सेंटर के यहाँ से ये पतंग मैं लेकर आया था। इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट कलर आता, हम काफ़ी ज़्यादा कलर लेकर आए हैं आप लोग के लिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कलर लेकर आओ। एक देखो, ये कलर है काफ़ी अच्छा है ये भी, और ये खटीमा पेपर पे है पतंग। एक दो चौके इसके लेकर आऊँ मैं। अब देखो, जो ये वाला डिज़ाइन आ रहा है ना, इसको देख के यार मैं, जब आज से मुझे 4-5 साल पहले की याद आ गई ये वाला डिज़ाइन देख के, क्योंकि ये डिज़ाइन बचपन में मैंने बहुत उड़ाया है और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। ये इस डिज़ाइन को देख के मुझे एकदम अपने बचपन की याद आ गई भाई, क्योंकि जब मैं छोटा था तो ऐसी पतंगें काफ़ी मिलती थी 15 अगस्त के टाइम में, काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ती भी थी ऐसी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली ये डिज़ाइन, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगता है। उसके बाद आता भाई हमारा, इसे कहते हैं कुन्नेदार, शायद ये कुन्नेदार ही कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो भाई मुझे करेक्ट कर देना आप कमेंट में। फिलहाल इसे तो जहाँ तक कुन्नेदार ही कहते हैं, कुन्नेदार में भी देखो काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दिया है। और भाई, 15 अगस्त आने वाला और आपने तिरंगा पतंग नहीं उड़ाई यार, तो आपने क्या उड़ाया। और तिरंगा में भी देखो, इन्होंने मांग भी दी है, ये खाली तिरंगा नहीं है, इसमें इधर मांग भी पड़ी है, उसके अंदर इन्होंने तिरंगा बनाया है। काफ़ी अच्छी पतंग है ये भी, मैंने आपको लड़ा के दिखाई है और मैंने पहले ही बता दिया भाई, ये पूरा तिरंगा नहीं है, इसमें अशोक चक्र नहीं है। तो ये वाली पतंग आप उड़ा सकते हो, अगर ये पतंग इधर उधर गिर भी जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ पतंगें होती है जिसमें पूरा तिरंगे का वो बना होता है, तो उसे आप नहीं उड़ाएं, उसे सिर्फ 100 पीस के लिए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो, तिरंगा मैं काफ़ी ज़्यादा लेकर आऊँ, क्योंकि 15 अगस्त के टाइम ये कभी कभार नहीं मिलते मेरी तरफ, तो भाई नहीं मिलते क्योंकि बिक जाते हैं, तो मैं अभी से ले आया हूँ। उसके बाद ये सारी पतंगें सेम है, देखो कुन्नेदार आ रही है, फिर तिरंगा आ रहा है, फिर वही वाली पतंग, काफ़ी ज़्यादा चौक पड़वा के लाया था। और हाँ, ये पूरी मैं 100 पतंगें लेकर आया हूँ, और अभी मैं रेट भी बताऊँगा कि कितने की पड़ी है ये मुझे पतंगें। उसके बाद देखो, ये गिलहरा पतंग आ गई, ये तो अभी थोड़े दिन पहले जो मैं पतंगें लेकर आया था, देखो कितनी जल्दी मैं पतंग उड़ा देता हूँ। उसके बाद आती है भाई, एक दो चौक मैं इसके लेकर आया हूँ, पट्टेदार के लंबे फरमे में है, सही है। अब देखो, ये वाला डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि चार खाना मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिला है। और देखो, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन देखो आप, वाइट और ब्लैक का एकदम परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा है भाई मेकर ने। फिर से कहूँगा, पतंग काम चला हुआ है भाई, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन सही है, उड़ने लायक है, पेड़ उड़ाने लायक है। तो यहाँ पर हमारी मंजोली पतंग होती है ख़त्म, और यहाँ से शुरू होती है हमारी पौनी पतंगें। अब देखो, जब भी मैं काइट शॉप की तरफ निकलता हूँ, अगर मुझे कहीं पर भी अच्छी पौनी पतंगें मिलती हैं ना, तो मैं ले लेता हूँ भाई, चाहे मैं 25 ही पतंगें लूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 25 लेता हूँ या फिर 50 लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ। और यही सीन मेरे साथ इन पतंगों के साथ भी हुआ था, मैं ये छोटी पतंगें लेने गया था, लेकिन मुझे किसी दूसरी शॉप पर ये पौनी पतंगें भी देखने को मिल गई, काफ़ी अच्छी पौनी पतंगें हैं ये, तो मैंने ये वाली पतंगें ले ली। एक तो देखो, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, ब्लैक और आपका देख सकते हैं आप स्काई ब्लू टाइप का ये है थोड़ा, और देखो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और हाँ, मैंने मंजोली के प्राइस नहीं बताए थे, तो मंजोली मुझे पड़ी है 380 रुपये की 100 पतंगें, और अगर सिंगल पीस लेते तो 4 रुपये की। तो यार क्या लोगे यार, बच्चे की जान थोड़ी लोगे यार, 4 रुपये में कहाँ पतंग मिल रही है आजकल। तो सही है, मैंने फिर से कहा है, काम चलाऊ पतंग है, अच्छी पतंगें उड़ा सकते हो आप।
फेस्टिवल के टाइम में। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं पौनी पतंग की। तो देखो पौनी पतंग की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं छिले हुए कमान ठड्डे की, क्योंकि मैं पौनी या अद्धी पतंग लेता हूँ तो मैं छिले हुए कमान ठड्डे की लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं ग्राउंड में भी उड़ाता हूँ और छतों में भी उड़ाता हूँ तो मैं छिले हुए कमान ठड्डे की लेता हूँ। तो इसका जो रेट मुझे पड़ा, ये मुझे पड़ी है भाई 14 रुपये की पतंग, और 14 की मैं लेता हूँ ज़्यादातर, 14, 15, 16, इससे ज़्यादा की मैं पतंग नहीं लेता हूँ पौनी भी। और इसमें देखो एक आपको ग्रीन में देखने को मिल जाएगी पटेदार, पूरी पतंग अच्छी बनाई है लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई मेकर ने बनाने वाला। देखो पहले मैं कमान ठड्डे दिखा दूँ तो कमान ठड्डे भाई एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है कि इन्होंने थोड़ा सा जो यहाँ पे ये जो लगाया है ना, ये ने ग्रीन लगाना चाहिए था, ये इन्होंने ब्लू वाला ही लगा दिया, तो यहाँ पे इस पतंग की सो बिगड़ गई यार। अगर यहाँ पे ये ग्रीन लगा दे तो एकदम परफेक्ट पतंग रहती। तो ये छोटी छोटी बातों से पतंग की सो कभी कभार ख़राब हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए मेकर को। उसके बाद देखो ये तो सारी एकदम परफेक्ट है, इसमें तो आपको कुछ कहना ही नहीं है यार। पतंग में आप फिनिशिंग भी देखोगे, देखो पतंग में फिनिशिंग भी आई है। और एक चीज़ और इन्होंने जो जोड़ है ना, इसमें घुटाई कर रखी है, इससे क्या फ़ायदा है, ये पतंग में हमें टेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है जोड़ों में। वैसे तो टेपिंग होगी ओवरऑल जो पतंग में होती है, लेकिन जोड़ में जो आप एक्स्ट्रा टेपिंग करते हो ना, वो इन पतंगों में ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन पतंग के जोड़ में मेकर ने पहले से ही घुटाई कर रखी है। और जब घुटाई हो जाती है ना जोड़ में पतंग के, तो जोड़ खुलते नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, कभी कभार खुल जाए लेकिन वैसे जोड़ नहीं खुलते। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इन पतंग में, कहाँ गई वाली पतंग, लगता है बीच में कहीं है, तो अभी दिखेगी तो मैं दिखा दूंगा। और देखो मैंने इन पतंगों का आपको प्राइस बता दिया है, ये मुझे पड़ी है भाई 14 रुपये की, और 14 रुपये के हिसाब से सही है यार, पौनी पतंग आजकल कहाँ मिल रही है 14 की, सब मुँह मांगे प्राइस बोलते हैं। और हाँ ये चीज़ दिखाने वाला था, ये वाली जो घुटाई होती ना, जो ये इन्होंने क्रॉस का जो साइन बनाया, ऐसी घुटाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखो इसमें यही थी, ग्रीन थी और ये ब्लू थी। तो ये वाली जो मुझे पौनी पड़ी थी 14 की, ये मैं किसी और शॉप से लाया था। और उसके जो ये मंजोली पतंगें थी, ये मुझे पड़ी थी 380 रुपये की 100 पतंगें। तो देखो यही है दोनों पतंगों के आपको प्राइस मैंने पूरे बता दिए। आप प्लीज़ यार कमेंट करके मुझसे मत कहना कि भाई प्राइस बताओ पतंग के। तो भाई यही थी सारी पतंगें, और मैं कह रहा हूँ कि ये 15 अगस्त के लिए हो जाएंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भाई ये 15 अगस्त के लिए नहीं हो पाएंगी, और 15 अगस्त के टाइम मुझे नई पतंगें लानी पड़ेंगी। और फिर जो फैंसी पतंगें आएंगी 15 अगस्त के टाइम में, वो भी मैं लेकर आऊँगा, तो वाली वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, तो उसे भी देखना मत भूलना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखो ये रहा भाई हमारा कुछ काइट का स्टेस जो हम लेकर आए। तो अपने पतंगबाज दोस्तों में शेयर कर देना, जो लोग पतंग लेना चाह रहे हैं तो उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मंजोली पतंग क्या रेट की चल रही है बरेली में। तो आप लोग वाली वीडियो उनको भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।